मुंबई के सौजन्य से दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कनेक्ट करो नाम से एक इवेंट का आयोजन किया गया। यह इवेंट 3 दिन तक चलने वाला है। इस कार्यक्रम में WRI के CEO माधव पाई विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें, WRI इंडिया पर्यावरण और सामरिक विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला वैश्विक संस्थान है, जो कि पर्यावरण और सामरिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और नीतिगत सहायता के माध्यम से विश्व भर में अहम योगदान दे रहा है। विश्व स्तर पर संस्थाओं को जोड़ने के लिए WRI विभिन्न विषयों के को लेकर कनेक्ट करो सेमिनार का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसाइलेंस, मोबिलिटी, एनर्जी, क्लाइमेट क्लीन एयर, प्लेनरीज, फूड जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की जाएगी। WRI का मुख्य उद्देश्य है वृक्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, सामरिक न्याय, संसाधनों का उपयोग, शहरीकरण और अनुकूल संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं WRI के CEO माधव पाई। तो इसमें 5-6 टॉपिक है, क्लीनर एक्शन, मोबिलिटी, अर्बन प्लानिंग, फूड सिस्टम ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये सही इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। सर, एग्रीकल्चर से जुड़े आप जो कार्य कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। तो अभी जैसे बहुत सारा डिग्रेडेड लैंड है इंडिया में और उसको उसमें ग्रीनिंग करना है, तो बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्रोफॉरेस्ट्री है, कुछ चीज़ें वैल्यू चेन में करनी होती है, कुछ वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं, कहीं पे जस्ट फेंसिंग करना होता है कैटल, और तो इस सारे चीज़ों में इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हम मदद करते हैं और उनको वो लोकल स्केल पे, लोकल लेवल पे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, WRI विश्व स्तर पर सरकारों, निजी क्षेत्र, अन्य संगठनों और समुदायों के साथ सहयोग करता है ताकि सुस्त और स्थायी विकास के लिए नीतियों का विकास किया जा सके। इसके अलावा WRI के प्रशासनिक और तकनीकी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता हासिल है। इस संस्थान द्वारा किए जा रहे अध्ययन, अनुसंधान और नीति विकास के माध्यम से यह वैश्विक मानकों के विकास को प्रोत्साहित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।